इस कहानी की शुरुआत में हम दो खतरनाक जादूगर फिन और सैरनी मोर को देखते हैं, जो एक सुंदर राजकुमारी नीना के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जहां सैरनी मोर फिन से कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, तो वहीं फिन सैरनी मोर से कहता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत हुई है और मुझमें अच्छाई है। और जैसे ही फिन उससे ये बात कहता है, सैरनी मोर उस पे अपने जादू से हमला कर देता है, लेकिन फिन बड़े ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है। इसके बाद सैरनी मोर फिन पर एक जबरदस्त वार करता है, लेकिन फिन उसके वार को उसी की तरफ मोड़ देता है। और जैसे ही सैरनी मोर उस वार से घायल होने वाला होता है, फिन उसे कागज के फूलों में बदल देता है। दरअसल फिन सच में एक अच्छा और दयालु जादूगर होता है, लेकिन सैरनी मोर अभी भी नहीं मानता है और वो फिन पर लगातार वार करने लगता है। पर इस बार फिन उसे एक स्टॉर्म में फंसाकर वहाँ से दूर भेज देता है। इसके बाद फिन राजकुमारी नीना को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, पर राजकुमारी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिन राजकुमारी नीना की बातों पर ध्यान नहीं देता। और जैसे ही वो राजकुमारी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, राजकुमारी अपने मुंह से पट्टी हटाकर फिन को बताती है कि ये सैरनी मोर का एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिन उसके ट्रैप में फंस चुका था। ट्रैप में फंसने की वजह से फिन का सारा जादू खत्म हो जाता है और वो एक यंग से काफी बूढ़ा हो जाता है। और जैसे ही फिन की जादू खत्म हो जाती है, वहाँ पे सैरनी मोर आता है, जो फिन के आंखों के सामने ही राजकुमारी नीना को एक पत्थर की मूर्ति बना देता है। और वो फिन के पास आता है और उससे कहता है कि बोलो मैं तुम्हें क्या बनाऊं, खरगोश, टिड्डा या फिर एक फूल। तो फिन एक जादुई सीरम निकालकर सैरनी मोर से कहता है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, मैं वापस आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद ये कहानी यहाँ से आगे शिफ्ट होती है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर रुस्लान को देखते हैं, जो कई सारे ऑडियंस के बीच जादूगर सैरनी मोर का ही प्ले परफॉर्म कर रहा होता है। कि तभी वहाँ से कुछ राजकुमार गुजरते हैं, जो वहाँ की राजकुमारी मीला का हाथ मांगने के लिए जा रहे होते हैं। उन राजकुमारों को देखकर रुस्लान के सारे ऑडियंस वहाँ से चले जाते हैं और रुस्लान भी उन राजकुमार को देखने लगता है। तो उसका दोस्त नेस्टर उसे प्ले परफॉर्म करने को कहता है। अब प्ले परफॉर्म करने से क्या फायदा जब ऑडियंस चली गई थी और उन्हें नाचाते हुए भी प्ले को रोकना पड़ता है। इसके बाद रुस्लान नेस्टर से सुरवीर की कहानी लिखने को कहता है, क्योंकि रुस्लान को योद्धा की कहानी बहुत पसंद होती है। तो नेस्टर उससे कहता है कि तुम योद्धा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक एक्टर के बेटे हो और इसीलिए तुम्हें अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान देनी चाहिए। ये लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो राजकुमार जो राजकुमारी से हाथ मांगने गए थे, वहाँ से भागते हुए वापस जाने लगते हैं। उन राजकुमारों को भागता देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। इसके बाद हम राजकुमारी मीला को देखते हैं, जो अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपने डैड से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। दरअसल जो राजकुमार वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं, उन्हें राजकुमारी मीला नहीं भगाया होता है। राजकुमारी के डैड उसे काफी समझाते हैं, लेकिन मीला दरवाजा नहीं खोलती है। तो उसके डैड सीक्रेट दरवाजे से मीला के रूम में जाते हैं और उसे शादी करने के लिए काफी समझाते हैं, लेकिन मीला कहती है कि वो शादी करके चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहती है। वो कहती है कि वो आजाद पंछी की तरह घूमना चाहती है, एडवेंचर करना चाहती है, लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं चाहते हैं। और वो मीला से कहते हैं कि कल तक कोई राजकुमार देख लो, नहीं तो वो अपनी पसंद के किसी राजकुमार से उसकी शादी करा देगा। गुस्से में ये बात कहकर मीला के डैड वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम रुस्लान को देखते हैं, जो फल खरीद कर अपने घर जा रहा होता है, कि तभी वहाँ से एक फरलाफ नाम का राजकुमार अपने दो भाइयों के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है, जो रुस्लान से टकरा जाता है। टक्कर लगने की वजह से रुस्लान का सारा फल बिखर जाता है। तो रुस्लान फरलाफ के पास जाकर उसे माफी मांगने को कहता है, लेकिन फरलाफ रुस्लान से माफी ना मांगकर उसका मजाक उड़ाता है और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से वो चला जाता है, जिससे रुस्लान काफी गुस्सा होता है। इसके बाद हम राजकुमारी मीला को देखते हैं, जो रात के अंधेरे में अपने महल से भाग रही होती है, कि तभी रास्ते में उसे दो गैंगस्टर मिल जाते हैं, जो मीला से उसके गले का हार छीनने की कोशिश करते हैं। तो मीला एक गैंगस्टर को एक जोरदार पंच मारकर वहाँ से किसी तरह भागने लगती है, पर वो गैंगस्टर मीला का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए मीला जाकर रुस्लान से टकरा जाती है और रुस्लान का एक बार फिर से सारा फल बिखर जाता है। तभी मीला को वो दोनों गैंगस्टर घेर लेते हैं, तो गुस्से में आकर मीला रुस्लान पर ही हमला कर देती है। तो रुस्लान कहता है कि मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। गैंगस्टर के बीच में घिरी हुई मीला जब रुस्लान की ये बात सुनती है, तो रुस्लान से कहती है कि अगर सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो किसी गार्ड या योद्धा को बुलाओ। तो रुस्लान मीला को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को एक योद्धा बताता है, और जैसे ही वो गैंगस्टर को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, उसकी तलवार वहीं अटक जाती है, लेकिन वो अपनी समझदारी से एक गैंगस्टर को मार गिराता है। तभी वहाँ पे दूसरा गैंगस्टर रुस्लान पर वार करने लगता है, तो रुस्लान अपनी तलवार से उसकी वार को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसकी तलवार एक स्प्रिंग में बदल जाती है। पर एक बार फिर रुस्लान अपनी समझदारी से उस दूसरे योद्धा को भी मार गिराता है। तभी हम देखते हैं कि पहला वाला गैंगस्टर सीटी बजाने की कोशिश करता है, तो मीला उसे एक ही वार में बेहोश कर देती है, लेकिन सीटी बज चुकी होती है और इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर आ जाते हैं। तो रुस्लान मीला को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जाकर एक सुरक्षित जगह पे छुप जाता है। और जब सारे गैंगस्टर वहाँ से चले जाते हैं, तो रुस्लान मीला को लेकर अपने घर चला आता है और मीला से पूछता है कि तुम इतनी रात में क्या कर रही थी। इस पर मीला उसे बताती है कि वो अपनी असली जिंदगी जीने के लिए घर से भाग आई है और अब वो बिल्कुल आजादी की जिंदगी जीना चाहती है। वो कहती है कि वो एडवेंचर करना चाहती है, लेकिन अब लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तो रुस्लान उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम एडवेंचर करना चाहती हो तो चलो करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें एक अजनबी यानी मुझ पर विश्वास करना होगा। मीला रुस्लान की बात मान जाती है और उसके साथ एडवेंचर पर निकल जाती है। रुस्लान मीला को उस शहर की सबसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है। मीला को रुस्लान के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा था, मानो मीला अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार अपनी असल जिंदगी जी
जी रही हो। अगली सुबह मीला रुस्लान से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं पाया कि तभी वहाँ पर सैरनी मोर एक स्टॉर्म के रूप में आता है और राजकुमारी मीला को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो रुस्लान उस स्टॉर्म का पीछा करता है और वहीं राजकुमारी मीला को उस स्टॉर्म में जाते हुए वहाँ का एक सैनिक देख लेता है, तो वो ये बात जाकर राजा को बता देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को मीला को बचाने का आदेश देता है और इधर रुस्लान बहुत मेहनत के बाद किसी तरह मीला का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टॉर्म काफी पावरफुल होता है जिसके कारण वो मीला को अपने साथ उड़ा ले जाता है। रुस्लान पहली बार सैरनी मोर को देखकर काफी हैरान होता है और वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने राजा को पाता है, जो उससे पूछता है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया। यहाँ पर रुस्लान को पहली बार पता चलता है कि मीला एक राजकुमारी है, तो रुस्लान राजा से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। राजकुमारी मीला को जादू नगरी का एक जादूगर सैरनी मोर ने किडनैप किया है। रुस्लान की बातें सुनकर राजा को लगता है कि वो कोई कहानी बना रहा है और इसीलिए वो रुस्लान को काल कोठरी में डालने का हुक्म देता है। और इसके बाद राजा ये ऐलान करता है कि जो कोई भी राजकुमारी मीला को सही सलामत वापस लेकर आएगा उसकी शादी राजकुमारी मीला के साथ करा दी जाएगी। राजकुमारी मीला से शादी की बात सुनकर वहाँ इकट्ठे राजकुमार बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी मीला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर सिपाही रुस्लान को काल कोठरी में डालने के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रुस्लान की पेट बर्ड आ जाती है, जो उन दोनों सिपाहियों पर हमला करके उनका ध्यान भटकाती है, जिससे रुस्लान वहाँ से भाग जाता है। उधर सारे राजकुमार राजकुमारी मीला की तलाश में जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पे बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं और किसी को भी आगे जाने का रास्ता पता नहीं होता है। और इधर रुस्लान भागकर नेस्टर के पास आता है और उससे जादूगर सैरनी मोर की कहानी की किताब के बारे में पूछता है ताकि उससे सैरनी मोर का पता मिल सके। तो नेस्टर उसे बताता है कि इस किताब में सैरनी मोर का कोई पता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस किताब के मालिक को पता है कि सैरनी मोर कहाँ मिलेगा। तो रुस्लान उससे उस किताब के मालिक के पास चलने को कहता है, पर वो वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि इस किताब का मालिक बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रुस्लान उसे जबरदस्ती लेकर उस किताब के मालिक के घर की ओर निकल जाता है। उधर सारे राजकुमार अभी भी रास्ता ना पता होने के कारण उसी जगह पर रुके होते हैं कि तभी वो लोग रुस्लान को जाते हुए देखते हैं, तो वो सभी लोग उसके पीछे ही निकल पड़ते हैं। और एक बहुत लंबा सफर तय करने के बाद रुस्लान आखिरकार उस किताब के मालिक के पास पहुँच जाता है। वो दोनों काफी डरे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक छोटा बिल्ला आता है जिसे देखकर रुस्लान उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो बिल्ला गुस्से में आकर एक विशाल रूप ले लेता है और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। बिल्ले को इतने गुस्से में देखकर रुस्लान उसे शांत करने का आइडिया लगाता है, जिससे वो बिल्ला शांत हो जाता है। और जब वो बिल्ला शांत हो जाता है तो रुस्लान उसे उसकी किताब लौटाते हुए उसे जादूगर सैरनी मोर के पता के बारे में पूछता है। वो बिल्ला उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और उनसे पूछता है कि क्या सैरनी मोर ने किसी राजकुमारी को फिर से किडनैप किया है। तो रुस्लान उसे बताता है कि हाँ, उसने कुछ ही दिन पहले राजकुमारी मीला को किडनैप किया है। इसके बाद रुस्लान उस बिल्ले से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब के बारे में। इस पर वो बिल्ला कहता है कि जब किसी राजकुमारी को किसी से प्यार हो जाता है तो सैरनी मोर उस राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। वो बिल्ला कहता है कि उसे बचाने के लिए उसके पास केवल 2 दिन है। ये बात सुनकर रुस्लान हैरान हो जाता है और वो उससे सैरनी मोर तक पहुँचने और उसे खत्म करने के बारे में पूछता है। तो वो बिल्ला कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो उन्हें एक मटर का फल देकर सैरनी मोर तक पहुंचने वाले राज्य में भेज देता है। इसके बाद हम राजकुमारी मीला को देखते हैं जो सैरनी मोर के महल में होती है। वो सैरनी मोर को देखकर काफी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। इस पर सैरनी मोर कहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो उससे प्यार की ताकत छीनकर उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देगा। ये बात सुनकर राजकुमारी गुस्से से सैरनी मोर पर स्वीट से वार करने लगती है। इस पर सैरनी मोर भी राजकुमारी पर वार करता है और इसी लड़ाई के बीच सैरनी मोर गलती से अपने कैप से राजकुमारी मीला पर वार कर देता है। तो राजकुमारी जब उस कैप को लगाकर उल्टा करती है तो वो गायब हो जाती है। इसके बाद वो सैरनी मोर से बचकर वहाँ से निकल जाती है, पर सैरनी मोर अपने स्वीट्स को मीला पर नजर रखने को कहता है। और इसके बाद सैरनी मोर अपने जादुई मिरर में देखता है कि रुस्लान उसके राज्य में आ चुका है। रुस्लान को अपने राज्य में देखकर सैरनी मोर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम उन राजकुमारों को देखते हैं जो रुस्लान का पीछा करते हुए उस बिल्ले के घर पहुंच जाते हैं। तो वो बिल्ला उनका भी वही हाल करता है जो उसने रुस्लान और उसके दोस्तों का किया था, लेकिन फरलाव किसी तरह अपने भाइयों के साथ सैरनी मोर के राज्य में चला जाता है। और इसके बाद हम रुस्लान को देखते हैं जो नेस्टर के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। तो आगे जाने के लिए रुस्लान उस बिल्ले के द्वारा दिए गए मटर का यूज करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उस मटर को देखकर एक रैट तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही रुस्लान उस मटर को नीचे रखता है तो वो रैट उस मटर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो उस रैट को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रैट उन्हें चकमा देकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तो रुस्लान उसे पकड़ने के लिए उस पेड़ पर जाता है और इसी बीच वो रैट पेड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो रैट हवा में उड़ने लगता है। उड़ते हुए रैट को देखकर रुस्लान काफी हैरान होता है, पर तभी रुस्लान की बर्ड उस रैट से मटर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से वो रैट उस खाई में गिरने लगता है, पर रुस्लान उस रैट को पकड़ लेता है। इसके बाद रुस्लान अपने बर्ड से उस पार जाने की बात करने लगता है, तो वो रैट उस पार जाने की बात सुनकर खुश हो जाता है। इस पर रुस्लान समझ जाता है कि इस रैट को उस पार जाने का रास्ता पता है और इसीलिए रुस्लान उस रैट को वो मटर दे देता है। तो वो रैट उस मटर की मदद से एक रास्ता खोलता है, जिससे होते हुए वो लोग उस खाई को पार करके वहाँ से आगे की सफर पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम राजकुमारी मीला को देखते हैं जो सैरनी मोर के स्वीट्स को देखकर काफी खुश होती है और जैसे ही वो स्वीट्स को खाने जाती है, उन्हीं स्वीट्स में से एक स्वीट मीला से सैरनी मोर का कैप छीन लेता है और सारे स्वीट्स मीला पर हमला कर देते हैं। पर मीला उन सारे स्वीट्स को बड़े ही आसानी से मार गिराती है और सैरनी मोर
का कैप भी उनसे हासिल कर लेती है। इसके बाद हम सैरनी मोर को देखते हैं जो अपने जादू से पत्थरों के डेमन को जिंदा कर रहा होता है, और वहीं रुस्लान जादूगर फिन के पास उससे मदद मांगने के लिए जाता है, पर फिन उन लोगों से डर कर छुप जाता है। लेकिन रुस्लान किसी तरह फिन को पकड़ लेता है और उससे सैरनी मोर को हराने के बारे में पूछता है, तो फिन उसे बताता है कि सैरनी मोर की जान उसकी दाढ़ी में है और उसे एक खास किस्म की तलवार से हराया जा सकता है। उसके बाद वो उन्हें उस तलवार का पता बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन उस रैट को ये पता होता है कि तलवार कहाँ मिलेगा, इसीलिए रुस्लान उस रैट को लेकर उस तलवार की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उन्हें वो पत्थर के डेमन मिलते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और रास्ते में ही उन्हें फरलाप अपने भाइयों के साथ मिलता है, और जब वो लोग भी उस पत्थरों के डेमन को देखते हैं तो वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, और भागते हुए एक खाई में गिर जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक मादा मेंढक मिलती है, जिनसे डरकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वहीं हम सैरनी मोर को देखते हैं जो उन पत्थरों के डेमन्स को खाली हाथ लौटता देखकर काफी नाराज होता है। इसके बाद हम रुस्लान को देखते हैं जो हीरो के पास पहुँच जाता है जिसके पास जादुई तलवार होती है, लेकिन हीरो को रैट से एलर्जी होती है, और जैसे ही उसकी नाकों में रैट की गंध आती है वो बहुत ही जोर से छींकता है जिससे वो लोग काफी दूर उड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर रुस्लान हीरो के पास जाता है, और जब रुस्लान हीरो से जादुई तलवार के बारे में पूछता है तो वो उन्हें एक संदूक देता है जिसमें जादुई तलवार और जादुई सूट होता है। और जैसे ही रुस्लान उस जादुई सूट को पहनकर तलवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर बहुत से सोल्जर आ जाते हैं। दरअसल जो भी उस जादुई तलवार को ले जाना चाहता है पहले उसे उन सोल्जर का सामना करना पड़ता है, तो रुस्लान बड़े ही बहादुरी के साथ उन सोल्जर को मार गिराता है। लेकिन अगले ही पल वो सोल्जर एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं, पर रुस्लान अपनी समझदारी से एक बार फिर से उन सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। इसके बाद वो जादुई तलवार को लेकर सैरनी मोर के महल तक पहुंचता है और महल के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में राजकुमारी मीला मिलती है। राजकुमारी मीला से मिलकर रुस्लान बहुत खुश होता है, लेकिन राजकुमारी मीला रुस्लान के गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने को कहती है, तो रुस्लान उदास मन से वहाँ से जाने लगता है। और वहीं हम राजकुमारी मीला को देखते हैं जो दरअसल राजकुमारी मीला नहीं बल्कि जादूगर सैरनी मोर होता है, जो महल में वापस आकर अदृश्य राजकुमारी मीला को रुस्लान के जाने की खबर देता है। और जैसे ही मीला खिड़की से रुस्लान को देखने की कोशिश करती है, सैरनी मोर अपने जादू से उसे पकड़ लेता है और अपना कैप भी उससे वापस छीन लेता है, और इसके बाद वो राजकुमारी मीला को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन राजकुमारी बड़े ही चालाकी से अपने नेकलेस को खिड़की के पास फेंक देती है, जिसको रुस्लान की बर्ड देख लेती है, और वापस आकर रुस्लान को यह बताने की कोशिश करती है कि राजकुमारी मीला खतरे में है। लेकिन रुस्लान काफी उदास होता है, इसीलिए वो बर्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसी बीच वहाँ पे पत्थरों के डेमन्स आ जाते हैं जो रुस्लान पर हमला कर देते हैं, पर नेस्टर उसे बचा लेता है, तो वो डेमन्स गुस्से में आकर नेस्टर को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी इधर रुस्लान की बर्ड उस खिड़की को तोड़कर राजकुमारी का नेकलेस लाकर रुस्लान को दिखाता है, तो उसे याद आता है कि वो जिस राजकुमारी से मिला था वो नकली थी। और इधर वो डेमन्स जैसे ही नेस्टर को मारने वाले होते हैं, रुस्लान उन डेमन्स को जादुई तलवार से मार गिराता है और राजकुमारी मीला को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहाँ फरलाफ आ जाता है जो रुस्लान को महल में जाते हुए देख लेता है, तो वो भी उनके पीछे निकल जाता है। इधर सैरनी मोर राजकुमारी मीला को जैसे ही मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर रुस्लान नेस्टर के साथ पहुँच जाता है। रुस्लान को देखकर सैरनी मोर गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल स्टॉर्म से उस पर वार करता है, लेकिन जादुई सूट की वजह से वो स्टॉर्म रुस्लान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस पर सैरनी मोर अपने जादू से एक बहुत बड़े से ड्रैगन को बनाता है जो रुस्लान पर हमला कर देता है, पर रुस्लान उस ड्रैगन से फाइट करते हुए उसकी दाढ़ी काट देता है, और उस ड्रैगन की दाढ़ी कटते ही वो ड्रैगन गायब हो जाता है, और जो राजकुमारी पत्थर की बन गई होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है, और जादूगर फिन को भी उसका जादू वापस मिल जाता है। और इसके बाद रुस्लान सैरनी मोर को बंदी बना लेता है, और राजकुमारी मीला को छुड़ाने के लिए रुस्लान जानबूझकर सैरनी मोर के ट्रैप में फंस जाता है ताकि वो राजकुमारी को बचा सके, और वो राजकुमारी को बचा भी लेता है। लेकिन जब राजकुमारी मीला रुस्लान को बचाने जाती है, तभी वहाँ पे फरलाफ आ जाता है जो राजकुमारी को रोक देता है, तो राजकुमारी गुस्से में फरलाफ के साथ उसके भाइयों को मारकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो रुस्लान की मौत से काफी उदास होती है। तभी वहाँ पे जादूगर फिन आ जाता है जो रुस्लान को अपनी जादू से वापस जिंदा कर देता है। रुस्लान को जिंदा देखकर राजकुमारी मीला बहुत खुश होती है, और वहीं जादूगर फिन भी अपनी राजकुमारी नीना से मिलकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं